बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हियर इज मैम शाजिया कौसर फ्रॉम किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल। टुडे आई लर्न यू द पेज नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड सी द पेज नंबर 11 व्हिच इज द टॉपिक वाउल्स। ठीक है, द SLOs टू आइडेंटिफाई एंड रीड वाउल्स एंड कंसोनेंट लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, to read out this topic always use an before a word starting with the vowel and a before a word starting with consonants। okay pyare bachcho, to first of all main aapko sikhaungi vowels aur next is consonants। theek hai, vowels panch hote hain। theek hai, there are five vowels a e i o u which is right in middle two lines। okay students, ye panch vowels hote hain aur ye दरमियान वाली दो लाइनों के अंदर लिखे जाते हैं। ए ई आई ओ यू, इनकी साउंड है आ ई ए ओ अ। ठीक है, इनकी ये साउंड्स हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है और फिर इसकी प्रैक्टिस आपने असाइनमेंट शीट पर करनी है। कंसोनेंट्स बेटा, वाउल्स को अल्फाबेट्स जैसे कि 26 होते हैं, 26 लेटर अल्फाबेट्स में से अगर वाउल्स निकाल दिए जाएं, बाकी जितने लेटर्स बचते हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा इनके अंदर ए ई आई ओ यू लेटर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो लेटर मौजूद नहीं होते, जहां लेटर मौजूद नहीं होते, जी प्यारे बच्चों मैं ये बता रही थी आपको कि वाउल्स जो होते हैं वो पांच होते हैं और कंसोनेंट्स जो हैं वो, अगर हम इन पांच वाउल्स को निकाल दें और बाकी जितने लेटर बचते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, हम रीड आउट कर लेते हैं। बीब सीख डीड एफ जीग एच जेज केक एल एम एन पीप कीक्यो आर एस टीट वीव W व X Y और Z Z। ठीक है, ये कॉन्सनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसकी अब असेसमेंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप कॉन्सनेंट्स और वॉवल्स सीखाए हैं, तो वॉवल्स के असेसमेंट कुछ यू है। टू आइडेंटिफाई वॉवल्स A E I O U इन थ्री लेटर वर्ड्स। ठीक है, एन सर्कल द वॉवल्स इन द गिवन वर्ड्स। जी प्यारे बच्चों, दीज आर वॉवल्स, वाउल्स ए ई आई ओ यू। ओके, और यहाँ स्टार्स के अंदर थ्री लेटर वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, थ्री लेटर वर्ड्स का मतलब होता है तीन लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाए, तो कैट हैट मैट। तो ठीक है, आपने इनमें देखना है कि वाउल ए कहाँ यूज हुआ है, तो डेफिनेटली इनके मिड में यूज हुआ है, तो हम इसके अंदर सर्कल कर देंगे। ओके प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वाउल ई, तो हैंड पैन डैन, तो इसके भी मिडल में लेटर ई जो कि वॉवल है वो यूज हुआ है और हम इसके मिड में सर्कल कर देंगे। ये सर्कल आप किसी कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं और पेंसिल से भी कर सकते हैं। आई बिन टिन सिन। ओके, तो हम इसके मिडल में इसको जो है वो सर्कल कर देंगे। इसी तरह आप ओ और यू भी इसमें से फाइंड आउट करेंगे और खुद इसके अंदर सर्कल करेंगे। ओके, और साथ साथ इन वर्ड्स को रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। तो जनरल नॉलेज में प्यारे बच्चों, माई सेल्फ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अल्लाह ऑलमाइटी। ठीक है, अल्लाह ऑलमाइटी में हमारा पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, हु क्रिएटेड अस, अल्लाह क्रिएटेड अस। क्वेश्चन नंबर टू है, होम डू वी वर्शिप, वी वर्शिप अल्लाह ऑलमाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपने दोबारा से इसको अच्छे से याद करना है। नाजरा में ताउस तस्मिया पहला और दूसरा कलमा हो चुका है। इल्म इजाफे की दुआ और खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ आज हम सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लजी अतवाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने याद करना है। वालदैन से मेरी गुजारिश है कि वो जनरल नॉलेज को अच्छे से याद करवाएं बच्चे को, और इंग्लिश का लेसन बुक्स पर भी लिखवाएं, सॉल्व करवाएं, और एक्स्ट्रा जो असाइनमेंट शीट बनानी है वो भी आपने ये वाला काम उनको करवाना है। आज आपको जो मैसेज भेजा जाएगा उसमें असाइनमेंट शीट का वर्क लिखा जाएगा, वो आपने अपने बच्चे को उस पर हल करवाना है और 20 से 22 मई के दौरान स्कूल में जमा करवाना है। आज के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में मैम शाजिया को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।